तुम्हारा कोई किसी का साइड इफेक्ट तो नहीं आया कल वो पत्ता खा के? कोई सर दर्द नहीं, चक्कर नहीं, उल्टियाँ नहीं? एक्चुअली है क्या कि ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, पहले तुम ये पत्ता टेस्ट करोगे? जहर तो नहीं है? शिखर क्या हुआ शिखर? बेसिकली हमारा इरादा ये है कि उसकी पट्टी पे हम ये लगा दें ताकि वो चाटे ना। आंसू आ गए टाइप से। इधर देखें, सास वाले ऑफिस में, उन्हें क्यों बख्शना? आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? घबराइए नहीं, इस प्यारे से बच्चे पे हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करने वाले। एक्सपेरिमेंट का आगे का भाग हम आपको दिखाएंगे कुछ एनिमल अपडेट्स दिखाने के बाद। ये बिंद्रेश की बेटी है, इसको किसी डॉगी से डर नहीं लगता। उस दिन मूली से चिपटी जा रही थी, अनजान कुत्ता भी हो, कोई पकड़ लो। किसके साथ खेल रहे हो? मो, सोई है वो? सोने दो उसको। हे मो, उठ गई। हे मो, सुला दो उसको पैर। सो रही है वो। आपने सुला दिया उसको? ये तो ना, इसको ये किसी भी डॉगी से चिमड़ लेती है। वो को सुला दिया उसने। हाँ। अब आप मुझे बताओ ना, आप क्या चाहोगे कि आपके बच्चे ऐसे बड़े हों जो ये इनका बिहेवियर है, या पत्थर मारने वाला? ये बाय मोमो, यूरिन पड़ा है। ओले, मैं नहीं मिला इससे। नेहा, ये कौन है? बूजी सर, बूजी। बूजी से मैं तो मिला ही नहीं। वो उसकी कितनी कितनी क्यूट है, तो लोमड़ी जैसी। बाल कैसे हैं? आप सच में बूजी से नहीं मिले? इसको तो काफी टाइम हो गया है वे। इसके बाल तो ऐसे हो रखे हैं जैसे कोई स्टार ट्रेक का कैरेक्टर हो। जब ये आई थी ना तो ट्रीटमेंट भी करते थे, इसके बॉडी से ब्लड आता था। अब तो ये बहुत सही हो गई, रिकवरी इसकी अच्छी हो रही है। इसके नाखून बड़े हुए हैं पीछे वाले, बहुत ज्यादा। हाँ, बढ़ रहे हैं। बीच में काटे भी थे, वापस बढ़ गए हैं अभी वापस, क्योंकि केज के अंदर रहती है ना इसके अंदर, इस वजह से। कितना टाइम हो गया इसको हमारे साथ? 2 वीक्स हो गए, इससे ज्यादा हो गए 2 वीक्स से। सॉरी बूजी, मैं मिला नहीं देर से। इसीलिए डॉग्स को ना वॉक कराना जरूरी है। अब आप देखो, ये एक जगह है तो इसके नाखून बढ़ गए हैं, फिर वो इवेंचुअली बढ़ के स्किन में घुस जाएंगे, फिर समस्या बढ़ जाएगी। और ये हमारी, ओ इसको देखो, ये बड़ा कैट वॉक की प्रैक्टिस कर रही है। ये बेचारी चलती है ऐसे एक्चुअली। काटा इसने मुझे उस दिन। किताबें चाटने का मतलब ये नहीं होता, लिटरली चाट जाओ। इसका गलत जवाब इतना कॉमन क्यों है? हाँ यार, होना तो नहीं चाहिए, कटना तो नहीं चाहिए। पर नहीं, इनका वो तो होता है ना, ऊपर दांत नहीं होते, पर वो तो हाँ यही तो है। काफ्स, अपन पीछे चले आहट से मिलने। आहट पीछे बिल्कुल नहीं है, पीछे खुश नहीं है। क्यों, तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैं रोज दमन के आई ड्रॉप के लिए जा रही हूँ। पहले पिछली बार हमने आपको दिखाया था ज्योति का घर, जहाँ पे हमने चांदनी साहब को मिलवाया था। ये मेरा कमरा है, और तुम्हें जाली के पास जाना पड़ेगा। दिखेगा नहीं? दिखता है। ज़्यादा भी मत दिखाना। तो अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो हम आपको फार्म का एक नया टूर देंगे। आई थिंक हमने टूर किया था लास्ट कोविड में। और यहाँ पे हो गया फिर से कीचड़। ये एरिया हमारा ना, ओ ओ भाई, ये तो दलदल है यार। यहाँ से भी आ सकते थे। ये तो आठ साठ लग रही है यार। नहीं, शक्ल से ही साठ लग रही है। हाँ।
अकेली पड़ गई यहाँ पे बिल्कुल। तो ऐसे लग रहा है जैसे इलेक्शन हार गई हो। विकू भैया इसको हरा घास तो दे रहे हैं ना। अबे मैंने सबसे वर्स्ट रास्ता लिया तो कीचड़ में। मैं यहीं से आया था। ये दीपिका जी हैं, ये सारा को अडॉप्ट करने आएंगे। तो आप क्या सोच के अडॉप्ट कर रहे हैं मैम? Just need a family member। तो आपके दिमाग में परचेज करने का ऑप्शन नहीं आया? नहीं, परचेज करने का तो सबके दिमाग में आता है, पर फैंसी एनिमल्स रख के मुझे शो ऑफ थोड़ी ना करना है। नो नो, ये कहाँ जा रहे हो बेबी? सारा हमने तो ये डिसाइड किया कि हम इसका नेम भी चेंज नहीं करेंगे। आपने इतने प्यार से रखा है, हम वही रखेंगे, क्योंकि आपने फुल लव से रखा है ना। ज्योति ने रखा है इसका नाम सारा, ना बहुत प्यार से। और ये इतने टाइम ज्योति के घर पे ही फॉस्टर हो जाए, तो ज्योति के घर पे जो अदर कैट्स थी ये उनके साथ रह रही थी बहुत प्यार से। कपड़े भी बनाएंगे इसे सर्दी में ताकि ठंडी ना लग जाए। आपको कैसा लग रहा कैट अडॉप्ट करके? अच्छा, इसका फर्स्ट पेट है। हीरो की जगह ले रही इसने, बस शिनचैन नहीं है। शिनचैन का शीरो तो नहीं है, पर रिदम की कैट अच्छी। देखा है हमारे रूम के थोड़ा सा आगे जाके देयर इज अ शॉप, तो उन्होंने मतलब लिटरली बहुत से बर्ड्स, पैरट्स, अलग अलग तरह के डक्स इवन तक, और मतलब ऐसे रेयर बर्ड्स रखे होते हैं। तो लिटरली उनको देख के ना बड़ा मतलब ऐसे फील होता है कि इनको क्यों केज में रखा है, हम खरीदने तभी रखा है। ये तो फोर्स कर रही थी कि वहाँ से ले, फिर मेरा ऐसे माइंड में आया कि मैं खरीदना नहीं चाहती, क्योंकि फ्रेंड्स खरीदे नहीं जाते हैं ना, फ्रेंड्स बनाए जाते हैं। इसका बहुत छोटा सा था क्या डीवीडी सर? नहीं, इतना भी नहीं था, लेकिन दिख रहा था। कितनी डोसेज लगी इसको फिर? तीन। क्या बोलते हैं उस दवाई को? विन क्रिस्टिन। तीन डोसेज लगी। डोज चलो घूमी घूमी चल रहे हैं आराम से बच्चा। हाँ आजाद है तू, आज चलो बाय बोलना है सबको। बाय राजकुमार। इतना फ्रेंडली बच्चा तो है ये, इतना फ्रेंडली है ये। तो शुरू शुरू में तो थोड़ी डरी डरी रहती थी, फिर धीरे धीरे सही हो गई। तो इसने जितना समय हमारे साथ बिताया अच्छा था। अच्छा था, अच्छा, अच्छी डॉग है। रस्क देख के बड़ी खुशी होती थी ना, ये रस्क टाइम है। शुरू शुरू में आई तो रस्क खाने ही नहीं है ना इसको, रस्क नहीं खाती थी। और उसके बाद एक बार दो खाए, हाँ चलो खाने लग गई है। और अब तो ये है कि बस टाइम, इसको पता है कि भाई रस्क का टाइम हो गया है, खुश हो जाती है। आ जाओ। और अब हम आपको दिखाते हैं हमारे ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स का बाकी का भाग, और इसी बहाने हम आपको पीपल फार्म के और कुछ ह्यूमन से भी मिलवाएंगे। और जो कुछ इंटेंस अपडेट्स है, अस्पताल का अपडेट है, और एक काफ़ी गंदा रेस्क्यू है, वो हम आपको दिखाएंगे कल। कैसा लगा? ठीक है, मैं तुम्हारे लिए मीठा बत्ता ले आता हूँ। मीठा बत्ता ये सब बोल रहा आपने खाई थी? देखो यही तो टीम का पॉइंट होता है, चीजें डिस्ट्रीब्यूटेड रहती हैं, कोई खिलाता है, कोई जस खाता है। तुम्हें तो लगा कि कॉफी के जैसा है, बढ़िया है, क्या हुआ? अब कॉफी के साथ चीनी चाहिए? कैसे जमता है स्पॉट भी आ गया। स्पॉट टेस्टिंग रही है कि आई थिंक कि ये काम करेगा तेरे पे। आई डोंट थिंक कि तू ये चाटेगा। ओके ओके, फिर हम स्पॉट पे ट्राई कर सकते हैं। अगर कुछ हो जाता है तो फिर हम सॉरी बोल देते हैं। क्या कहते हैं जो लोग एनिमल पे टेस्टिंग करते हैं, वो क्या करते हैं? नेहा को नहीं खिलाएंगे, नेहा रो पड़ेगी। कौन सा पत्ता? हाँ ये मैं, ये मीठा वाला तो नहीं है? नहीं। गुड बॉय, फिनिश करो जल्दी। ये लो, गुड गर्ल, फिनिश करो जल्दी। कड़वा है थोड़ा सा बस। झूठ बोल रही है ये। देखो तो झेल गई है तो। नहीं, वो इसकी शक्ल देखो, देखो करेले की सब्जी जैसी है इसकी शक्ल देखो। मुझे करेला नहीं पसंद है। धूप में जा रही है। जा रही हूँ मैं।
ये है क्या पर? नहीं मैं पूछ रही हूँ। आप ट्राई करोगे प्लीज? अब पूरा खा लो। आई थिंक कल विक्की ने नहीं खाया था सर। सर मैंने अभी ट्राई करा था, काफी कड़वा था। विक्की बचा हुआ है ना, किया था इसने। सच में ट्राई करा है मैंने। चलो यार तुम स्पॉट पे, इतना तुम्हें ना पसंद है, तुमने स्पॉट पे वाली पैर पे पैर भी रखा था। कितने पे बोटॉक्स, कितने पे टेस्ट करते हैं लोग, कितने चूहे पे? आप मिली ना से पूछता हूं मैं, खाना खा के उल्टी तो होगी ना। यही तुम देखना चाहते हैं कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है? अरे कि भाई स्पॉट चाटे तो उसको अनप्लेजेंट लगे, पर ऐसा भी ना हो ना चक्कर आ जाएंगे, गिर जाए या साइको एक्टिव हो, पता चले कि वो हाई हो गया स्पॉट। और तो चबाओ चबाओ जेल का छोरा नहीं, मैं घटक के अंदर ही चबाए चीटर कॉक। तेरे से अच्छी भाई वो भारतीय भाई पूरी खा गई थी। हाँ तो लड़कियाँ खा जाती हैं सर। क्या ये मुझे समझा ना। अच्छा मैं समझ गया, इसका मतलब है कि जैसे पति कच्चा पक्का खाना भी बनाता है तो लड़कियाँ अच्छी होती है, वो दिल रखने के लिए कहती हैं बड़ा अच्छा बना है। लड़के नखरा करते हैं वैसे अच्छा है, नमक कम रह गया। कम रह गया सर, यहाँ कड़वाहट महसूस हो गया। हेलो क्या वो भारती ने उल्टा सीधा बोला क्या? खाने से पहले कौन सा पाव भाई? कड़कैन। कड़कैन है भाई। ये रीटा है, सिमरन, भारती, अंजू, भावना। हाय। अरे अंजू को कॉन्ग्रेट्स कह दो, अंजू की शादी हो गई। हाँ कब? दो महीने। ओ ए तू ये क्या गधा टाइप लेके घूम रही है? गधा ट्राइपॉड है ये, क्यों? हमारे ब्लॉग में वो है ना, हमारी जो काफी बड़ी फैन है भावना रावत, वो कह रही थी शिवानी मैम से मिलवा, फिर मिलवा दिया। हाय भावना एंड ऑल ऑफ यू। शिवानी बताना चाह रही है नेक्स्ट वीडियो पे किस पे काम कर रही है, बता दे, हम दिव्यांशु से पूछ लेंगे। तब ये दो लोग की टीम है ना, ये और दिव्यांशु, ये काम करते हैं पीपल फार्म एक्सप्लेन्स। क्या है इनकी टैगलाइन? ये है इसका, जानोगे तो मानोगे, पीपल फार्म एक्सप्लेन्स। तो शिवानी और ये इस पे काम करते हैं। तुम्हारा लेटेस्ट क्या चल रहा है प्रोजेक्ट? टाइगर सर, टाइगर सिंथेटिक क्लोथ्स। टाइगर तो तुमने ऑलरेडी एक बार सफारी करके अच्छा वो ततैयों का झुंड पे। इधर मैं रिसेंटली धर्मशाला में एक मंदिर में गया था और वहाँ पर टाइगर की असली खाल मंदिर में। मेरे को बहुत असली कुछ नहीं कह सकते, पता क्या चक्कर है, वो हमें कह देंगे कि शिव जी भी तो उसका बैठ के मंदिर था और मंदिर के अंदर बिल्कुल असली खाल। अब मुझे एक बात बताओ, शिव जी जैसे मतलब कितने जबरदस्त पर्सनालिटी, आपको लगता है उन्होंने टाइगर मारा हुआ? नहीं, उन्हें टाइगर मरा हुआ मिल गया, उन्होंने कहा कि ठीक है इसको वेस्ट क्या जाने देना, उसकी खाल ले ली और वो बैठ गए। अब लोग क्या है भैया, टाइगर मार के उसकी खाल चढ़ाएंगे। hmm. लोग भी ज्यादा शिव जी से ज्यादा टाइगर की खाल देखने आते हैं। इस टेबल से बड़ी बड़ी टेबल लोग खाल देखने आ रहे हैं। शिव जी का तो नाम ही यार पशुपति नाथ है, वो कैसे मारेंगे किसी भी जानवर को? Yes. बराबर। हमारे देश में इस समय एक नेशनल आइडेंटिटी जोर पकड़ रही है कि भाई हिंदुस्तानी होना यानी शाकाहारी होना, लेकिन विदेशी मीडिया इसे भी तोड़ मरोड़ के हिंदू मुस्लिम मुद्दे के तौर पे प्रस्तुत कर रहा है। भाई देखिए, जिसने खाना है ना वो हिंदू पैदा होके भी अधर्म करेगा और जो जग गया है वो मुस्लिम होते हुए भी शाकाहारी हो जाएगा। भाई बड़ी सीधी सी बात है कि सर्वे भवंतु सुखिना वाले हमारे इस देश में, चाहे आप बकरे की कुर्बानी देते हैं, उसकी बलि देते हैं या उसको मटन टिक्के के नाम पे काटते हैं, आप अपनी देश की पहचान के विरुद्ध जाते हैं। आ...